नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा है MP बोर्ड की, यानी कि दोस्तों आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, वो आपके 29 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे डाउट आ रहे थे कि यहाँ पे आपका कितना सिलेबस पूछा जाएगा, साथ में जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका किस तरीके से रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सिलेबस आपका कितना पूछा जाएगा, तो दोस्तों जो MP बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जो सिलेबस जारी किया था ना, उसमें दोस्तों जो आपका नवंबर तक का सिलेबस था वो यहाँ पे आपका पूरा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको सभी सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये आपका हिंदी का सिलेबस है, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो दोस्तों यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका हिंदी का हो गया दोस्तों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दोस्तों जहाँ तक आपको सिलेबस दिख रहा है ना, नवंबर तक का ये आपको पूरा कवर करना है। इसके अलावा एक बात दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो जो टॉपिक दोस्तों यहाँ पे आपके रिड्यूस कर दिए गए थे, यानी कि इस साल दोस्तों जो जो आपको सिलेबस है ना, जिसको यहाँ पे कम कर दिया गया था, वो सभी टॉपिक और वो सभी पार्ट आपको कवर नहीं करने हैं, तो आप उसको दोस्तों यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जितने आपको चैप्टर दिख रहे हैं ना, ये आपको सभी यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये आपका हिंदी का हो गया, इसके बाद दोस्तों ये आपका इंग्लिश का हो जाएगा, आप इंग्लिश का ये मार्क कर लीजिएगा, एक मिनट, ये आपका इंग्लिश का हो गया, ये आपको हो जाएगा जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक, यहाँ तक आप इसको कवर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपका संस्कृत का हो जाएगा, अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। संस्कृत के बाद दोस्तों ये आपका हो जाएगा गणित का, तो ये गणित का दोस्तों यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाद ये आपका दोस्तों सामाजिक विज्ञान का हो गया। अगर दोस्तों बात करें जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपको किस तरीके से रहने वाला, तो दोस्तों जैसा आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई थी ना, सेम वैसे दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। और इस बार दोस्तों जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी ना, उसके दोस्तों जो आपके पेपर होंगे, सभी जिले के यहाँ पे आपके अलग अलग पेपर आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले दोस्तों जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों जो आपके सभी पेपर थे वो आपके सेम आए थे, लेकिन इस बार दोस्तों जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, इसमें सभी जिले में दोस्तों आपके अलग अलग पेपर यहाँ पर जारी किए जाएंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों आप तैयारी कीजिएगा। ये आपका फिजिक्स का हो जाएगा, फिर दोस्तों आपका केमिस्ट्री का हो जाएगा, यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको उसका PDF डाउनलोड करना है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका लेखा शास्त्र हो गया, आपका दोस्तों व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज़ का हो जाएगा, फिर दोस्तों आपका IP का हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों ये आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, और ये आपका हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और ये भूगोल का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपका भूगोल का हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ तक आपको कवर करना है, ठीक है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी हो गया। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद करें और DoubtNet के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाएं, जहाँ इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको इंग्लिश बोलना, वो भी हिंदी भाषा के साथ बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आपको इंग्लिश बोलने में होती है हिचकिचाहट, या फिर अगर आपको करनी है इंटरव्यू की तैयारी, या फिर अगर आप इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें DoubtNet ऐप प्ले स्टोर से और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स खरीदें और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को यहाँ पर सर्च करें। फिर ये दोस्तों आपके होम साइंस के सब्जेक्ट हो गए, ये आपके दोस्तों ये भी आपके होम साइंस के हैं। आप दोस्तों चाहें तो इसका जो PDF है ना, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपको दोस्तों यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। ये आपका दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री वाला हो गया, ये भी हो गया, और अब कौन कौन सी, ये कृषि समूह के हैं, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको सभी विषय के बता दिया, अगर कोई सा विषय यहाँ पे छूट गया होगा, तो जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहाँ पे मैं आपको सभी विषय का जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपको पढ़ाई करते समय किसी प्रकार के यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक ऐप की यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आता है, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं बनता है, तो आप दोस्तों सिंपली उस ऐप के अंदर आपको सभी विषय के यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, आपकी जो NCERT की किताब है ना, उसके सभी चैप्टर के हिंदी मीडियम में, साथ में इंग्लिश मीडियम में आपको सभी विषय के यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों जो आपका एग्जाम पैटर्न है, आप सभी को पता है इस साल जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसको आपको चेंज कर दिया गया, तो दोस्तों जो आपके एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आने ना, वो भी आपको उस ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो आप दोस्तों जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।